नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी खबर 24 और मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। ये नजर डालते हैं इस वक्त की खबर पर। पशु चिकित्सक की लापरवाही से दो भैंसों की हुई दर्दनाक मौत। वहीं पीड़ित श्रीनाथ पुत्र तेजपाल ने बताया कि मेरी दोनों भैंसों को बुखार था। वहीं पड़ोस में उपचार करने आए पशु चिकित्सक डॉक्टर विपिन से उपचार करने हेतु बोला तो उन्होंने भैंसों के स्वास्थ्य को चेक किए बगैर ही दवा लिख दी। जबकि मैंने कई बार भैंस के स्वास्थ्य को चेक करने हेतु बोला, फिर भी डॉक्टर साहब बिना चेक किए दवा लिख दिए और मैंने डॉक्टर विपिन की लिखी दवा मेडिकल से लेकर पशु चिकित्सक डॉक्टर विपिन के परामर्श अनुसार दोनों भैंसों को खिला दिया, जिसके कुछ ही देर बाद दोनों भैंसों ने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। जबकि पीड़ित श्रीनाथ ने बताया कि दवा देने के बाद भैंसों की हालत खराब होने पर डॉक्टर को सूचित किया तो उन्होंने मेरी बात सुनकर फोन कट कर दिया, जिसको लेकर पीड़ित ने तहरीर के माध्यम से स्थानीय थाना सरेनी में पशु चिकित्सक डॉक्टर विपिन रासी गाँव निवासी पर लापरवाही व गलत दवा देने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई। वही पीड़ित ने ये भी बताया कि स्थानीय थाना सरेनी में शिकायत दर्ज कराने के बावजूद लापरवाह डॉक्टर पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। क्या परिचय है आपका? हमारा नाम श्रीनाथ है सर जी। हमारे जो है भैंस जो है जो तीन डॉक्टर ने इलाज किया है उसमें दो भैंसियाँ हमारी ख़त्म हो चुकी हैं। थाने पे गए हम, वहाँ पे सुनवाई नहीं हो रही है हमारी जी। वहाँ चार घंटे बैठे रहे, वहाँ कोई सुनवाई हमारी नहीं हो रही है। नहीं तो भैंस को क्या हुआ था? भैंस के हल्का सा बुखार था जी। उसमें उन्होंने बगल में पड़ोस में दवा करने आए थे जी। दवा करने आए थे तो हमारी औरतें जो बोले कि हमारा भैंस थोड़ा चारा कम खा रही है, आप देख लीजिए इसको, तो वो देखे नहीं और बोले कि ठीक है, हम देखने के हम दवा लिखे देते हैं, आप दवा ला के खिला देना उसको। दवा खिलाते ही भैंस जो है सुबह तक का दम दोनों तोड़ दिए। उनको चार बजे से मैंने फ़ोन कर रहे हैं, वो आए तक देखने तक नहीं आए और वहाँ से धमकी भी दे रहे हैं कि जो तुमको करना है वो कर लीजिए। जब बिना चेक करे ऐसे ही दवा लिख दी है? बिना चेक किए वहाँ देखे थे नहीं, जबकि बगल में भैंसी थी जी, उन्होंने देखा नहीं, बिना देखे दवा दे दी है। और इसकी शिकायत आप कहाँ किए? सरेनी थाना। तो वहाँ पे क्या आश्वासन दिया गया? आश्वासन क्या, वहाँ सुनी नहीं रहे हैं, वहाँ हमारी बात सुनी ही नहीं जा रही, और FIR भी नहीं लिखा जा रहा। अच्छा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।